ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सुधा टोटल लाइफ विद इन में। और आज का हमारा फर्स्ट अप्रैल का, अप्रैल फूल कहा जाता है, अप्रैल का ईश्वरीय वरदान, लेकिन ये फूल बनाने वाला वरदान नहीं है। ये आपको वो वाला फूल नहीं, बेवकूफ नहीं, आपको फूल रूह गुलाब कमल फूल जैसा पवित्र बनाने वाला वरदान है, जो कि परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं। और आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं, जो इस चीज़ को मानते हैं। आप पवित्र खान पान करें, पवित्र रहें, ये परमात्मा की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखें आज परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या चीज छोड़ दें। परमात्मा कहते हैं, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता, सभ्यता मतलब मैनर्स, पूर्वक बोल और चलन, बोलने का तरीका मैनर से हो और चलने का तरीका भी मैनर्स हो, मतलब हम कैसे किसी के साथ पेश आते हैं वो हमारे मैनर्स होते हैं, वो सभ्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, से चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। तो परमात्मा आज हमें सभ्यता सिखा रहे हैं, सभ्यता मैनर्स होते हैं, जो कि एक दिव्य गुण है, देवताई गुण है। परमात्मा कहते हैं, सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आपके अंदर सत्यता है तो आप मैनर्स से बोलेंगे। अगर आपके अंदर सत्यता, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं कि आप सत्य हैं लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है और इंसान समझ जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सत्यता है तो आपको चिल्ला चिल्ला करके, आपको क्रोध करते हुए उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सत्यता है अगर, तो आपके अंदर पवित्रता जरूर होगी। जहाँ सत्यता है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सत्यता है। आपके अंदर किसी के प्रति घृणा नफरत होगी और आप उसको प्रूव करोगे नहीं मैं राइट हूँ, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर सत्यता है लेकिन आपके अंदर मैनर्स या सभ्यता नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता भी सभ्यता की निशानी है। देखें परमात्मा कहते हैं आगे, फिर बाबा कहते हैं, यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को भी नहीं छोड़ो। अगर आपको, आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है, आप सत्य हो, आप जॉब में सत्य हो, आप बिजनेस में सत्य हो, आप अपने कर्म में सत्य हो, आप एक स्टूडेंट हो आप सत्य हो, अगर आप एक टीचर हो आप सत्य हो, तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है और आपके अंदर अहंकार भी नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं, सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन कैसे, सभ्यता पूर्वक। अगर आपको कुछ चीज सिद्ध करनी है कि नहीं मैंने ये कर्म नहीं किया है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने ऐसे कर्म नहीं किया, तो आप उसको प्रूव करना है, तो आप चिल्ला चिल्ला के क्रोध करके प्रूव मत करो, आप उसको सभ्यता मैनर्स के साथ में प्रूव करो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैंने बहुत पहले शांति से समझाया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मानते नहीं है। फिर मैं वो थोड़ा सा तेज बोलना पड़ा, फिर और तेज बोला, फिर और तेज बोला, तब जाके वो समझे। आपने उनको तो दबा दिया, लेकिन आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। वो मान तो लेंगे बाहर बाहर से, अंदर से नहीं मानेंगे। फिर परमात्मा कहते हैं, सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। जिसके अंदर सभ्यता होगी वो हम्बल होगा, निर्माण होगा, लेकिन जिसके अंदर सभ्यता नहीं होगी, मैनर्स नहीं होंगे, वो जिद करेगा, वो क्रोध में आएगा, स्टबर्न होगा बिल्कुल। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। अगर आपके अंदर सभ्यता है, मैनर्स हैं, और आप बोल कर रहे हैं, आप कुछ समझा रहे हैं, तब जाकर के सफलता मिलेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन साथ में रहेगी। अगर आप बॉस हैं और आपको आकर के एक सबॉर्डिनेट आकर आपको झूठ बोलता है, क्योंकि आप हमेशा क्रोध करते हैं, तो वो डर के मारे आपको झूठ बोलता है, कहीं आप फिर से गुस्सा ना हो जाओ, आपने उसको बहुत प्यार से कहा कि देखो आपसे गलती हो गई हो, आप मेरे को कह दो, आपको मैं नहीं डांटूंगा, आपको मैं पनिश नहीं करूंगा। आप टीचर हो, आपने स्टूडेंट को गलती करी, होमवर्क नहीं किया, आपने चिल्ला दिया उसके ऊपर, अगली बार वो छुपाने की कोशिश करेगा स्टूडेंट, आपका और उसका रिलेशनशिप खत्म। बॉस और सबॉर्डिनेट का, लीडरशिप का जो रिलेशनशिप है, खत्म, टीम वर्क खत्म। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सत्यता अगर निकलवानी किसी से, सत्यता अगर आपको पेश करनी है, तो मैनरिज्म से करिए, ना चिल्ला करके, ना आप चिल्ला करके किसी से झूठ खत्म करवा करके सच उगलवा सकते हैं। आप जबरदस्ती कर देंगे लेकिन अगली बारी वो और छुपाएगा, चाहे वो बच्चा भी हो फैमिली में, आप माता पिता हैं, आप चिल्लाएंगे बच्चे के ऊपर, बच्चा डर के मारे अगली बारी छुपाएगा। तो सभ्यता से कहें, प्यार से कहेंगे, तो वो सत्यता बोलने की शक्ति आएगी उसके अंदर। चाहे आप बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, चाहे बच्चा हो, माता पिता हो, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही बात है। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में अब सबको निकट लाएं, समीप ला पाएं। फिर बाबा कहते हैं, सफलता मिलेगी, यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती है। मैनरिज्म नहीं, आप चिल्ला चिल्ला के सिद्ध कर रहे हो कि मैं राइट हूं, मैं सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और आप औरों को सिद्ध करवाने की कोशिश करो कि आप झूठ मत बोलो, आप सच बोलो,
तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे, आप सच बोलो तब जाकर के आपको प्रमोशन मिलेगी, आप सच बोलो तब जाकर के ये फलाना फलाना। परमात्मा कहते हैं इसमें सफलता नहीं मिलेगी लंबे समय तक के लिए, छोटे समय के लिए मिल जाएगी लेकिन लंबी नहीं चलेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फैमिलीज एकजुट नहीं रह पाएगी, आपस में रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो ये आज के श्री वरदान, इसको आप और गहराई से सीखना चाहते हैं तो ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आकर के और इस विद्या को गहराई से समझे कि क्यों ऐसे करना जरूरी है, क्यों सभ्यता लानी जरूरी है। इसके साथ ओम शांति।